अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवारी परीक्षा में धांधली को उजागर करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परीक्षा सरकारी एजेंसी द्वारा कराई जाए, टीम भी अपनी भर्ती कैलेंडर प्रतिवर्ष जारी करे। सरकार हमें संदेह के मुख्य बिंदु पर जानकारी दे। सभी पटवारी टॉपर जिनके 150 से हमें जो क्लीन चिट दे दी गई है उसको रद्द करने के लिए विज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि उसमें SIT जाँच जो भी है वो मतलब SIT से जाँच नहीं की करवाई गई है, वर्मा कमेटी से जाँच हुई थी जिसकी रिपोर्ट जारी की है। परीक्षा में जो धांधली हुई थी डिस्ट्रिक्ट, उसी को लेकर हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए। इसका वाचन करने के लिए मैं दीपक जी से अपील कर रहा हूँ। में एक छात्र का समूह पहुंचा था, क्या मांग रखी और क्या पूरा था मामला? सर, हमारी ये जांच है कि मतलब मांग है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो अभी अभी क्लीन चिट दे दी गई है, तो वो क्लीन चिट की रिपोर्ट कहाँ है? उसे उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना सभी को नियुक्ति देने की अनुशंसा कर दी गई है, जो 22 फरवरी से शुरुआत हो जाएगी। तो हमारी ये मांग है कि इसकी जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, इसकी SIT द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए, अन्यथा 2 दिन के पश्चात हमने टाइम दिया है, 2 दिन के बाद अगर ये नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, टॉपर को लेके भी कुछ सवाल उठाए थे आपने, क्या है प्रॉब्लम? टॉपर को लेके ये सवाल है कि टॉपर से जैसा इंटरव्यू लिया गया है, उन्हें देश की राजधानी बतानी है कि देश की राजधानी क्या है, भोपाल बता रहे हैं, संभागों की जानकारी नहीं है, उन लोगों ने टॉपर किया है। साथ ही साथ जैसे 10वीं की उनकी मार्कशीट देखी गई है, जो नाम मात्र के नंबरों से 33% से पास हुए हैं वो लोग टॉपर कर रहे हैं, और साथ ही साथ कॉलेज NRI कॉलेज से एक साथ सभी टॉपर निकले हैं जो कि BJP विधायक का हुआ करता है। तो इस विषय में हमारी मांग है। ठीक है, क्या नाम है आपका? दीपक सर। आप ज्ञापन देने आए थे, किसी को ज्ञापन देने आए थे, और क्या आपकी मांग है? ये सभी छात्रों की तरफ से आज पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह ज्ञापन दिए गए हैं। अभी जो पटवारी की परीक्षा कुछ समय पहले हुई थी उसके अंदर जो धांधली पाई गई थी उसको भी क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब उसमें जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसके अंदर जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, अगर आपने जाँच की है तो उसको सार्वजनिक उस जाँच को करना चाहिए था, ताकि सभी छात्रों के बीच में जो शंकाएं छात्रों को थी कि उस परीक्षा के अंदर जो धांधली हुई है वो क्लियर हो पाए, उसी को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। इसी के साथ में भी जो स्थाई रोजगार की हम लोग मांग कर रहे हैं, इसी के अंदर के जो ठेका प्रथा है उसको बंद कर सभी नौजवानों को स्थाई रोजगार दिया जाए हर क्षेत्र में, ये हम लोगों ने एक डिमांड इसके अंदर रखी। और काफ़ी लंबे समय से जो भर्तियां नहीं निकाली जा रही है, अभी जो PEB अपना जो कैलेंडर हर वर्ष जो जारी अभी नहीं कर रहा है, हम उसमें ये भी मांग कर रहे हैं कि PEB अपना हर वर्ष कैलेंडर जारी करे, और जो सभी नौजवान जो पात्र छात्र हैं उनको सभी नौजवानों को स्थाई रोजगार दिया जाए। इस मांग को लेकर आज यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया। आपका नाम और पद? मेरा नाम विनोद प्रजापति। हम लोग सभी छात्र बेरोजगार विरोधी हम लोगों का मंच है, उसकी तरफ से। ठीक है।